विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इसलिए अडानी अडानी का राग अलापते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने मोदी के पीएम मोदी के अभिभाषण पे कहा कि उन्होंने अडानी का जिक्र ही नहीं किया क्योंकि वो अडानी को बचाना चाहते हैं, तो इन तमाम चीजों को आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई विपक्ष 2024 के चुनाव को देखते हुए अडानी के मुद्दे को उठाकर सिर्फ पीएम मोदी को निशाना बना रहा है? नहीं करिश्मा जी, मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी 2014 में किस मुद्दे पर आई, कौन सा प्याज का मुद्दा था, कौन सा पेट्रोल का मुद्दा था, कौन से ऐसे मुद्दे पर नरेंद्र मोदी जी और स्मृति ईरानी या बहुत से राजनीतिक पार्टी खेल खेलते रहे और 2014 से इस देश में परचम लहराने का काम किया है। ये मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व में बहुत लोकप्रिय है, लेकिन कांग्रेस ने अगर अपनी समय में रिलायंस को कोई धन दिया है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि कांग्रेस ने रिलायंस को अगर धन दिया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अडानी को धन देंगे। या तो देश का नुकसान है या तो जनता का नुकसान है। आदरणीय अश्विनी, अभी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी अश्विनी जी कह रहे थे कि कांग्रेस ने अपने समय में रिलायंस को बड़ा अच्छा लाभ पहुंचाया। ठीक है, अगर कांग्रेस ने लाभ पहुंचाया है और कोई कमी है तो उसकी जांच करके कांग्रेस को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नीरव मोदी जैसे लोग या और भी जो हमारे भारत देश के लाखों करोड़ रुपए लेकर के भारतीय बैंकों को खाली कर दे रहे हैं, जिसका जनता खामियाजा भुगत रही है, तो ये ठीक बात नहीं है। जनता के ऊपर बोझ पड़ना, आप समझिए, लोकतंत्र का खतरा है। कांग्रेस के पास मुद्दे बहुत हैं, मुद्दा उठाना चाहिए। 2014 से लेकर अब तक कांग्रेस चुप रही। कांग्रेस की विडंबना है कि कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को चुनने का काम बहुत लेट किया। कांग्रेस के पास तो इतने मुद्दे हैं, अगर उठाना चाहे तो उनको उठाना चाहिए। इस मुद्दे में कोई बहुत बड़ा दम नहीं है। अडानी ने अभी अपना बयान दिया है कि ठीक है, यदि हमने शेयर कम हुआ या ज्यादा हुआ, आप देखिए जब भी बजट घोषित किया था सीतारमन जी ने, तो बजट के बाद से शेयर बढ़ा है। और अडानी का स्पष्ट कहना है कि हम जो LIC से पैसा लिए हुए हैं या जो भी पैसा लिए हुए हैं, हम उन्हें कहीं गमन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से दोषी हो गई? तो आदमी यहां ये सोच रहा है कि भाई ये जो अडानी है, ये जो रिलायंस है, ये जो अंबानी है, ये धनवान इतने जल्दी कैसे हो जा रहे हैं? सोच यहां जा रही है, सारे टेंडर अडानी को कैसे मिल जा रहे हैं? आज NH24 के, या आप गंगा एक्सप्रेसवे ले लीजिए, या राजस्थान का एक्सप्रेसवे ले लीजिए, बिहार का एक्सप्रेसवे ले लीजिए, सारा एक्सप्रेसवे अडानी ग्रुप को मिल रहा है। अडानी ग्रुप खुद तो काम करता नहीं है, ठेकेदारी प्रथा है, वो सब कॉन्ट्रैक्ट बांट देता है। जनता पीस रही है जनाब, बैंकों में जनता का पैसा है, जनता अपने पैसे को कहां बचा के रखे? अब तो 5,000 रुपए से कम अगर जनता छोड़ देती है तो बैंक वाले उससे भी इंटरेस्ट ले लेते हैं। आप ये समझिए करिश्मा जी, आज इस देश को बचाना है तो जनता के साथ मिलकर चलना होगा। कितनी भुखमरी, कितने आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आप सबको जुड़ना होगा। ये 80,000 करोड़ लोगों को अनाज फ्री दे करके बाकी लोगों को फ्री ना देना और 80,000 करोड़ लोगों पर विश्वास करना, ये कहां से धन आएगा? जो मीडियम क्लास का व्यक्ति है वही ये टैक्स दे रहा है। उस मीडियम क्लास के लिए सीतारमण जी ने अभी 5 लाख से 7 लाख तक का जो भी वजीफा दिया है, तो उस वजीफे से क्या फायदा? क्या 7 लाख रुपए का जो इनकम टैक्स बचाने वाला व्यक्ति है वो कभी GST लेता है? कभी भी GST वापस लेता है? वो सब्जी खरीदता है, सामान खरीदता है, टीवी खरीदता है, लेकिन उसका GST कहां जाता है? उसकी सारी GST भारत सरकार पर होती है, राज्य सरकार के मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को। इस बात पर सोचना होगा कि मिडिल क्लास का व्यक्ति आज जी नहीं पा रहा है, उसके जीने की व्यवस्था बहुत जल्द करनी चाहिए। अजय जी, ये जो मुद्दे आप उठा रहे हैं, ये मुद्दे जो उठा रहे हैं संसद में, ये मुद्दे उठने चाहिए क्या? विपक्ष इन मुद्दों को इतनी प्राथमिकता से उठा रहे हैं, वही अफसोस कर रहा हूँ। कांग्रेस के पास इतने मुद्दे हैं, लेकिन कांग्रेस अपने सही मुद्दों को उठाने का प्रयास नहीं कर रही है। महंगाई का मुद्दा था, तब महंगाई नहीं उठाई। आज पेट्रोल का मुद्दा है, पेट्रोल का मुद्दा नहीं उठा पाते हैं। संसद को नहीं, आज इस लोकतंत्र को बचाना है तो जनआंदोलन की जरूरत है। क्षमा के साथ अजय जी, अभी हिमाचल में चुनाव हुआ, इन लोगों ने 3 रुपए पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया। राजस्थान में बेरोजगारी 33% है, क्या मुद्दा उठाएंगे? सहमत हूँ, हिमाचल में कांग्रेस ने इस बार सरकार बनाई और जगह भी दावा करने की कोशिश कर रही। हर विपक्ष का काम होता है अपने आप को जीतने का। कांग्रेस को भी ये सोचना होगा कि हिमाचल में उन्होंने पेट्रोल का दाम क्यों बढ़ाया।